नमस्कार दोस्तों, क्लासेज एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 8 अप्रैल 2023 के मुख्य करंट अफेयर्स। तो फर्स्ट करंट अफेयर है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया गया। हाल ही में किस राज्य में नागरी दुबराज चावल को GI टैग मिला है? तो फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ के नागरी दुबराज चावल को हाल ही में GI टैग दिया गया है। थर्ड करंट अफेयर है, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो फ्रेंड, हाल ही में फीफा द्वारा रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें अर्जेंटीना टॉप पर रहा है, वहीं भारत फीफा रैंकिंग में 101वां नंबर है। हाल ही में किससे 2023 के लिए टाइम 100 रीडर पोल में विजेता चुना गया? शाहरुख खान को चुना गया। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो फ्रेंड्स, अंडमान व निकोबार द्वीपों में हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच आयोजित किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में हनुमान जी की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? गुजरात में। तो फ्रेंड्स, हनुमान जी की 54 फीट ऊंची प्रतिमा अहमदाबाद के नरनपुरा में स्थापित की गई है, जिसका हाल ही में अमित शाह ने अनावरण किया है। किस प्रसिद्ध संतूर वादक का निधन हो गया है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में शिव कुमार शर्मा जी का निधन हो गया है। हाल ही में कहां पर राष्ट्रपति जी ने गत महोत्सव उद्घाटन किया है? काजीरंगा नेशनल पार्क जो असम में, वहां पर हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने गत महोत्सव का उद्घाटन किया है। तो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं कुछ हरियाणा के मुख्य करंट अफेयर्स। हरियाणा में हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर कितने खोले जाएंगे? 700। हाल ही में हरियाणा सरकार ने घोषणा की है कि हरियाणा में हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर 700 और खोले जाएंगे, पहले 347 खोले जा चुके हैं। दूसरा मुख्य करंट अफेयर है, हरियाणा सॉरी वृद्धावस्था सम्मान भत्ता बुढ़ापा पेंशन की आय सीमा अब 2 लाख से बढ़ाकर कितने लाख का वार्षिक कर दी गई है? तो फ्रेंड्स, ये कर दी गई है 3 लाख। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 में किस देश में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया में वर्ष 2023 के अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं कुछ अन्य मुख्य करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।